अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो लास्ट टाइम हमने डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ी, या उससे प्रीवियस लेक्चर में डीएनए का पहले स्ट्रक्चर पढ़ा। तो वो जो सारा पहले जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आप जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें अप्लाई होगा। उनमें सबसे पहले जो ये आ रहा है टॉपिक वो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए ट्रांसलेशन होती है, और फिर हम आगे फिर डीएनए की कह लें जो डिटेक्शन है या डीएनए के और जो यूजेज हैं वो हमने पढ़े हैं। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉलिकुलर बायोलॉजी में। तो ये होपफुली आपको आज के लेक्चर के बाद काफ़ी इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने वर्ड जिस ट्रांसक्रिप्शन, वो तो मैंने पहले भी की दफ़ा इसका जिक्र किया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कि इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए में जो कह लें डिफरेंट जीन्स हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो कोडिंग सीक्वेंसेस वो पार्ट डीएनए के, जिनको हम जीन भी कहते हैं, जो कि एक्सप्रेस होते हैं। अब वो एक्सप्रेशन जो है वो पहले उसका जो फर्स्ट लेवल है एक्सप्रेशन का, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बनना। तो अब जब आरएनए बनता है तो उसमें आपने पढ़ा था पहले कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आरएनए। एक उसमें मैसेंजर आरएनए होता है, फिर ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या एसएनआरएनए है। तो इसमें जब मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे तो कोई भी आरएनए बने तो उसको हमें ट्रांसक्रिप्शन कहना है, लेकिन जब ट्रांसलेशन होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए की होती है। तो मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो उससे प्रोटीन बनती है। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कि डीएनए की एक जो डीएनए में जो मैसेज है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में है, तो डीएनए में भी फर्दर वो जीन्स के अंदर है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डीकोड होती है, कैसे एक्सप्रेस होती है। तो उसका फर्स्ट लेवल है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होगा तो उसकी आगे फिर ट्रांसलेशन होती है। बाकी ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए जो है उनकी कह लें ट्रांसलेशन नहीं होती। हाँ, डीएनए ट्रांसलेशन में उसका रोल जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक बेसिक सा मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताना है, ये जो जीन है, जीन का बेसिक स्ट्रक्चर वो अगर आपके जहन में होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपके जहन में होंगी, तो ये जो टॉपिक है आपको बेहतर समझ आएगा। तो जीन का जो एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन, तो ये आपको जो हाइलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है जिसकी ये दो बाउंड्रीज लगी हुई हैं, जिसका स्टार्ट में लिखा हुआ है ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट और फिर राइट साइड पे स्टॉप साइट। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट और ट्रांसलेशन स्टॉप साइट की जो बाउंड्रीज के दरमियान जो रीजन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यानी कि वो जब ट्रांसक्राइब होगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो उसके नतीजे में एक प्रोटीन बनेगी। तो वो स्ट्रक्चरल जीन होता है जो बेसिकली एट द एंड ट्रांसलेट भी होता है। तो उसकी बाउंड्रीज याद रखनी है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब जेनेटिक कोड्स हैं तीन तीन, तो उसमें एटीजी जो कि मैथ्यूनिन को इनकोड करता है, तो एटीजी से स्टार्ट जो सीक्वेंस हो रहा होता है दैट इज द स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट। और राइट साइड पे डिपेंडिंग के जीन जो है उसकी क्या लेंथ है, तो एंड में एक आएगा स्टॉप कोडान, जिसकी कह लें तीन उसकी टाइप्स हैं, TAT, TAG, ठीक है, ये एक आध और भी है। तो ये यानी कि स्टॉप कोडान डिपेंडिंग कौन सा जीन है, कौन सी स्पीशीज है, तो जिधर स्टॉप कोडान आ जाएगा तो उसका मतलब है दैट इज द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। तो जिस तरह
ट्रांसलेशन के लिहाज से स्टार्ट एंड स्टॉप साइट है, इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का भी एक अमल है, इसकी भी एक स्टार्ट और स्टॉप साइट है। तो लेफ्ट साइड पे जीन के लेफ्ट साइड में, इसलिए राइट लेफ्ट कह रहा हूँ कि फिलहाल अभी आपको मैं वो जो दूसरी टर्मिनोलॉजी अभी वो नहीं बता रहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये इमेज के लिहाज से लेफ्ट साइड पे ये जो प्लस वन लिखा हुआ है, ये एक खास न्यूक्लियोटाइड है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंस समझना है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जहां से, जहां पर ये पॉजिटिव वन लिखा हुआ है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए कॉपी होगा और उसके जो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वो प्लस वन वाली साइट से या प्लस वन वाले न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो ट्रांसलेशन वाले जो रीजन से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी ये भी बोली जाती है कि अपस्ट्रीम ट्रांसक्राइब्ड एरिया, यूटीआर, अपस्ट्रीम ट्रांसक्राइब्ड एरिया। तो ये जो थोड़ा सा वाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एक फर्क होता है उस, यानी कि ट्रांसलेशन की स्टार्ट साइट और आरएनए बनने का जो अमल है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरएनए की तीन टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसने आगे फिर ट्रांसलेट भी होना है। तो इस लिहाज से एक जो स्ट्रक्चर है ना जीन का, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल पार्ट जो है जीन का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। इसके जो अपस्ट्रीम है या लेफ्ट साइड पे जो रीजन है, या जिसको हम कहते हैं 5' साइड का जो रीजन है, उसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन, ठीक है। और इसके जो राइट साइड है या 3' कह लें, 3' रीजन है स्ट्रक्चरल जीन के, 3' साइड वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। तो अब इसमें एक और टर्म बोली जाती है अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब टूवर्ड्स द 5' साइड, ठीक है। अगर फर्ज के ये स्ट्रक्चर जीन के लिहाज से हमने कोई लोकेशन बतानी है डीएनए पे, तो इसको मैं अपस्ट्रीम बोलूंगा। ये जो 5' साइड की तरफ जो रीजन है, जो एलिमेंट्स हैं, उसको मैं कहूंगा जैसे कि प्रमोटर रीजंस, दे आर प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। और इसी तरह जो मैंने अभी बताया कि इस साइड पे टर्मिनेटर रीजन है, तो अब मैं इसको लिखने में, ये बोलने में आता है कि टर्मिनेटर रीजंस आर डाउनस्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, आर दे आर टूवर्ड्स द 3' साइड। तो अब ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसका एक स्टार्ट साइट होती है और इसकी एक स्टॉप साइट होती है। तो जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, उस खास न्यूक्लियोटाइड को प्लस वन से इंडिकेट करते हैं, जैसे ये इमेज में ड्रा किया हुआ है। ये प्लस वन का मतलब क्या है कि दैट इज द साइट फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन विल स्टार्ट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे स्टार्ट है कि ये जो प्रमोटर रीजन्स हैं, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है। इसकी डिटेल जो है प्रमोटर रीजन की, वो मैं जरा नेक्स्ट पार्ट जो है लेक्चर को उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल आपने इतना समझ लें कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए से आरएनए की कॉपीज बनाता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आके ये प्रमोटर रीजन जो है इधर आके वो बाइंड करता है। बाइंड होने के बाद प्लस वन वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बाकायदा उसका आगाज हो जाता है, या जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा मैसेंजर आरएनए का, वो ये प्लस वन न्यूक्लियोटाइड का कम्प्लीमेंट्री होगा। अगर इधर ए है तो उधर टी होगा, तो क्या कहते हैं आरएनए में चूंकि थाइमिन नहीं होता, तो उसके मुकाबले में क्या होगा उधर यूरासिल। तो एनीवे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये जो वाइड रीजन है, ये वो पार्ट है जो कि मैसेंजर आरएनए में तो आ जाएगा, लेकिन बाद में जब ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए की, तो उसमें ये नहीं आता, क्योंकि ट्रांसलेशन के स्टार्ट साइट भी एक होती है, जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट इसी तरह ट्रांसलेशन की भी एक स्टार्ट साइट है। और वो मैं पिछले लेक्चर में बता के आया था कि वो ATG न्यूक्लियोटाइड होता है, जेनेटिक कोड का फर्स्ट जो कह लें एक ट्रिपलेट कोड है, और ATG इसको स्टार्ट साइट भी कहते हैं, और ये मैथ्यूनीन को भी एनकोड करता है।
तो यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, या अगर स्ट्रक्चरल जीन है डिपेंडिंग ऑन द जीन लेंथ ये वेरी कर सकता है। उसके बाद जहाँ ये शेडेड एरिया ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एक स्टॉप कोडान होगा। तो अगेन आपको स्टॉप कोडान मैं बता के आया हूँ, तीन स्टॉप कोडान होते हैं। तो ट्रांसलेशन तो वहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कुछ फर्दर एरिया है वाइट एरिया, इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। तो टर्मिनेटर रीजन में एक खास जगह पर जो है ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो है वो खत्म हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन ये कंटिन्यूस नहीं रहती, किसी न किसी जगह पे खत्म होनी होती है। तो उस जिस जगह पे जाके ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है उसको उस रीजन को हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। और जिस जगह पे बकायदा वो न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर खत्म होती है उसको हम कह देते हैं स्टॉप साइट। अब उसकी कुछ निशानियां हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद मैं इसको आपकी जो पहले नोट्स है उसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए बनने का अमल दैट इज दी ट्रांसक्रिप्शन, और कंप्लीमेंट्री आरएनए प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि अभी आपने इमेज में देखा कि एक 5'3' सीक्वेंस है डीएनए का, और एक है 3'5'। तो जो 3'-5' स्ट्रैंड है उसकी कॉपी होती है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए उसका सीक्वेंस और 5'-3' डीएनए का जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होगा, एक्सेप्ट यूरासिल, यानी थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, बाकी सीक्वेंस वही होगा। तो फर्दर इसमें क्या है, कौन सा एंजाइम करता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज। तो अब आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी कह लें टाइप्स डिफरेंट हैं। प्रोक्रियाट में शायद एक ही होता है, लेकिन यूकेरियोट्स में इसके तीन टाइप्स होती हैं। और ये प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन जो है वही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये फर्दर एक्सप्लेन कर रही है वही जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि फर्ज करेंगे 5'-3' डीएनए का सीक्वेंस और उसके अपोजिट 3'-5', ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जो कॉपी बनाएगा आरएनए की वो इस स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री होगी, ठीक है। और अब जो आप जो ट्रांसक्रिप्ट है आरएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लिखेंगे 5'-3'। तो इसका जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली इस सीक्वेंस के ही आइडेंटिकल होगा, एक्सेप्ट यूरासिल, ठीक है। तो ये इस इमेज से भी आपको काफी हेल्प होगी कि भी ये कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इसमें फर्दर जो है बात वो ये कि जैसे अभी मैंने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है तीन टाइप्स के होते हैं इन यूकेरियोट्स 1, 2 एंड 3। तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो मैसेंजर आरएनए को एनकोड करता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है, और जो बाकी दो आरएनए हैं 1 एंड 3 वो राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एसएनआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। स्पेशली 1 जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 वो राइबोसोमल आरएनए, और जो 3 है आरएनए पॉलीमरेज 3 वो एसएनआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये तो है एक बेसिक कंसेप्ट, और इससे आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जस्ट ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल जीन, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि भी जीन हैज वन सेंट्रल पार्ट कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, अपस्ट्रीम पार्ट्स एंड डाउनस्ट्रीम पार्ट्स क्या हैं। तो अपस्ट्रीम पार्ट में उसका एक ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट होगी, एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी, फिर प्रमोटर रीजन होंगे, ठीक है। और जो डाउनस्ट्रीम रीजन है ये राइट वाला, उधर क्या होता है डीएनए का पार्ट, उसको कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एरो के साथ शो किया गया है कि अपस्ट्रीम रीजन किसको कहना है और डाउनस्ट्रीम किसको कहना है। तो इसके बाद जो है मैं ये प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस जो होते हैं डीएनए के उसकी जरा थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बताऊंगा।
और उससे पहले एक छोटा सा जो एक पॉइंट है वो ये कि जो जीन्स एक्टिवली एक्सप्रेस होते हैं उन उनके जो 5 प्राइम रीजन होते हैं, यानी कि जो अपस्ट्रीम रीजन होता है जिधर कह लें ये प्रोमोटर्स वगैरह एलिमेंट होते हैं, उसकी कुछ फीचर्स हैं। एक तो वो के दे आर मिथाइलेटेड, सॉरी, मेनी नॉन एक्सप्रेस जीन्स दे आर मिथाइलेटेड, और जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं दे आर हाइपोमिथाइलेटेड या लेस मिथाइलेटेड। तो मिथाइलेशन का जो लेवल है इट आल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन के कौन सा जीन जो है, सॉरी, एक तो जिधर जीन होंगे उधर मिथाइलेशन होगी। जो रेगुलरली एक्सप्रेस हो रहे होते हैं वो हाइपोमिथाइलेटेड होते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते वो मिथाइलेटेड होंगे या हाईली मिथाइलेटेड होंगे। तो ये जो चीज़ है ना मिथाइलेशन मैंने बताई, इसी तरह एसिटाइलेशन भी होती है, यूबिक्विटिनेशन होती है। तो ये जो अमल है इनको हम कहते हैं, ये इनको एपिजेनेटिक्स एक फील्ड है, कह लें जेनेटिक्स की, जो डीएनए या सिक्वेंसेस की स्टडी करते हैं उनका रोल जेनेटिक्स में, तो उसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो यानी डीएनए के अलावा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन, उसकी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो हेरिडिटी, उनकी हेरिडिटी वैल्यू होती है। तो वो चीज़ें हैं डीएनए मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनका मैं सिर्फ इतना यहाँ पर बताना चाह रहा था कि डीएनए का जो या जीन का जो 5 प्राइम रीजन होता है दे आर मिथाइलेटेड इन नॉन एक्सप्रेस जीन, और जो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं रेगुलरली वो हाइपोमिथाइलेटेड होते हैं। तो फर्दर आप इसमें आ जाता है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंसेस के, प्रमोटर आइडेंटिफाई करने का अगर करने हो सीक्वेंस में वो कैसा उनका सीक्वेंस होता है, और इसी तरह जो टर्मिनेटर रीजन है उसका सीक्वेंस कैसा होता है। तो उससे पहले ये आपको मैं ज़रा डायग्राम एक दिखा रहा हूँ, इसको आप ज़रा थोड़ा सा समझ लें, फिर आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये ऊपर वाला जो है पार्ट ये प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड है, और ये जो बी है पार्ट इमेज का ये यूकैरियोट्स से रिलेटेड है। तो प्रमोटर्स इन प्रोकैरियोट्स, तो ये बेसिकली प्रमोटर होते क्या हैं, दे आर अपस्ट्रीम डीएनए एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, कि वो जीन जिसने एक्सप्रेस होना है उसके अपस्ट्रीम रीजन में कुछ खास डीएनए सीक्वेंसेस हैं, उनका सीक्वेंस बड़ा कह लें कंजर्व्ड होता है या बड़ा स्पेसिफिक होता है, वो हर जगह पर मौजूद ही होता है जीनोम में। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की अभी मैंने बात की कि +1 का जो साइन लिखा होता है, ऐसे कहीं भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरह की इमेजेस होंगी। तो जिधर +1 का साइन है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से लेके स्ट्रक्चर जीन की तरफ जो रीजन है उसको हम लिखते हैं प्लस में, यानी कि फर्ज करें ये +1 जो है ये स्ट्रक्चर जीन्स के जो स्टार्ट कोडान है ATG उससे लेकर यहाँ तक वो 20 फर्ज करें न्यूक्लियोटाइड हैं, तो ये +1 होगा। उसे अगले वाला +2, 3, 4, 5 और ATG तक जितने भी होंगे उसको हम लिखते हैं प्लस डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। और +1 से लेफ्ट साइड को या 5 प्राइम साइड को या अपस्ट्रीम जो रीजन हैं उनको माइनस में लिखते हैं। तो जैसे ये आपने सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है उसके साथ लिखा हुआ है -10 TATA बॉक्स, इसको टाटा बॉक्स भी कह देते हैं। तो इसी तरह इससे फर्दर अपस्ट्रीम जाएं तो एक -35 बॉक्स है। तो इनके नाम ऐसे याद रखे जाते हैं -10 बॉक्स एंड -35 बॉक्स। तो -10 और -35 का जो मतलब है वो क्या है, कि ये जो -10 का मतलब है कि दिस रीजन या दिस सीक्वेंस इज 10 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस बताते हैं या मीटर्स में जैसे भी, तो डीएनए के जो सीक्वेंस के ऊपर जो लोकेशंस होती हैं मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट रीजन्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह होती है। स्पेशली वो जीन जो मतलब जो आइडेंटिफाइड जीन है उनके बारे में अगर बताना हो कि जी इसका
प्रोमोटर किस जगह पे है, तो कहेंगे -10 बॉक्स है और फिर -35 है। तो अब प्रोक्रियोट में -10 बॉक्स होता है जिसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, और एक -35 बॉक्स है। इसकी थोड़ी सी जो डिफरेंशियल करेक्टरिस्टिक है जो -10 से इसको डिफरेंशिएट करता है, वो ये है कि इसमें GC कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी गुआनिन साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो TA जो है ये इसकी एक ख़ास लेंथ है, 10-12 के करीब ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो उसके शुरू में ये जो सीक्वेंस है ये कॉमन होता है तमाम जीन में, इसलिए इसको टाटा बॉक्स भी कह देते हैं। तो ये डिफरेंस जी और सी का डिफरेंस जो है वो एक एक इसमें आपने नोट करना है। इसके बाद अगर यूकेरियोट्स में आ जाएं तो उसमें -10 बॉक्स नहीं होता, लेकिन उससे मिलता जुलता वो -35 बॉक्स है। मीन वजह उसकी क्या है कि यूकेरियोटिक जीन्स में +1 जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उसके अपस्ट्रीम तकरीबन -35 न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस पर फर्स्ट ऐसा सीक्वेंस आता है जो कि प्रमोटर की कह लें वो डेफिनेशन को पूरा करता है, जबकि प्रोक्रियोट्स में -10 की कह लें लोकेशन पे आता है। तो सीक्वेंस इनका आपस में मिलता जुलता है, इसीलिए कह देते हैं कि जो -35 बॉक्स है इन यूकेरियोटिक प्रमोटर्स दैट इज एनालॉगस टू द प्रोक्रियोटिक -10 बॉक्स। तो इसी तरह इनके जो प्रोक्रियोट्स में -35 बॉक्स है उससे मिलता जुलता, उससे मिलते जुलते करैक्टरिस्टिक वाला यूकेरियोट्स में -80 बॉक्स होता है, जिसको कैट बॉक्स भी कहते हैं, जिसके शुरू में ये सीक्वेंस आता है C-AAT, तो उससे उन्होंने जस्ट याद रखने के लिए कैट बॉक्स भी कहते हैं इसको, और GC रिच होता है उसी तरह ये भी। और फिर एक और जो फीचर यूकेरियोटिक जो जीन है और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन में जिनका रोल है प्रोक्रियोट के मुकाबले में, वो है वेरिएबल डिस्टेंस एनहांसर रीजन्स। तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको दो स्लैश डाली हुई सीक्वेंस में, इसका मतलब है कि ये एक काफ़ी दूर हैं ये, यानी कि नॉर्मली इनका डिस्टेंस लिखा नहीं जाता क्योंकि ये वेरी करता है, कहीं ये मल्टी किलो बेसिस के फासले पर होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे स्लैश डाला है। तो लेकिन जब DNA की 3-dimensional कन्फर्मेशन होती है, DNA का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है कि जब DNA फोल्ड होगा तो ये जो रीजन है अगर लेंथ वाइज देखा जाए लीनियर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हो सकता है ये मल्टी किलो बेसिस के डिस्टेंस पर हो, लेकिन जब DNA फोल्ड हो जाता है तो ये घूम के ये इनके साथ या इनके करीब आ सकता है। ठीक है, तो इसकी जो कह लें फर्दर जो इम्पोर्टेंस वो यही है कि ये DNA की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको ये इन्हांस करते हैं। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद जो मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको बताना है मैंने, वो ये है कि प्रमोटर रीजन जो हैं वो होते क्या हैं। बेसिकली प्रमोटर रीजन वो कह लें रीजन होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिन पर RNA पॉलीमरेज जो है वो आके बाइंड करता है। ठीक है, सबसे पहले RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रोक्रियोट की बात करें तो -35 जो बॉक्स है या रीजन है इधर आके वो अटैच होगा DNA के साथ, अपने आप को कह लें स्टेबलाइज करेगा, और उसके बाद फिर ये टूवर्ड्स द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट मूव करता है, और इस रीजन से जैसे कि -10 रीजन है इस रीजन पर कुछ और फैक्टर्स भी उनका भी रोल है DNA की ट्रांसक्रिप्शन करने में, और वो जो फैक्टर्स हैं उनको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स बेसिकली वो प्रोटीन्स ही होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इसलिए कहते हैं कि दे हैव रोल इन ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA पॉलीमरेज तो एक मेन एंजाइम है जिसने DNA से RNA बनाना है, वो -35 बॉक्स पे आके अटैच होगा पहले उस, अगर ये फर्ज करे किसी रीजन में ना हो तो उधर RNA पॉलीमरेज पूरे DNA पे जाके अटैच नहीं होगा, वो उधर ही होगा जिधर ये खास सीक्वेंस मौजूद होगा। तो फिर जब -10 रीजन का जो ये पार्ट है इधर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो
तो ये नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि आरएनए पॉल टू, ये आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। तो इस खास रीजन में -35 बॉक्स के रीजन में इन यूकैरियोट्स और -10 के रीजन में इन प्रोकैरियोट्स जब आरएनए पॉलीमरेज के लिए पहुंचता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली जो ज्यादा स्टडी किया गया है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ठीक है, और उसके साथ फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए है, बी है, ई है एंड एफ मल्टीपल, यानी कि ये प्रोटीन्स हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर इस जगह पर बाइंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, इसको कहते हैं इनिशिएशन कम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अगर इनमें से एक भी प्रोटीन ना आके बाइंड करे या कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए किसी भी म्यूटेशन की वजह से इन प्रोटीन के अंदर, तो वो खास जीन एक्सप्रेस नहीं होगा या उसकी एक्सप्रेशन कम हो सकती है, उसकी एक्सप्रेशन ज्यादा भी हो सकती है। तो सो मेनी फैक्टर्स। तो बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि इसमें जो पहले मैंने टर्म बतानी थी वो है इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो प्रोकैरियोट्स में एट द रीजन ऑफ -10 इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनता है और यूकैरियोट्स में एट द रीजन ऑफ -35 या टाटा बॉक्स जिसे कहते हैं। तो एग्रीगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज एट द -35 बॉक्स मेक्स द इनिशिएशन कम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर +1 वो खास साइट है, वो खास न्यूक्लियोटाइड है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का बाकायदा आगाज हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे मैंने कहा कि फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उधर इन्वॉल्व नहीं है, उधर हो सकता और प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, लेकिन मेन जो रोल है वो आरएनए पॉलीमरेज का है। जैसे डीएनए सिंथेसिस में आपने पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए की अब सिंथेसिस हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज है। तो बाकी इसकी जो एक इमेज मैंने आपको इधर दिखाई थी शुरू में, ये आप देख रहे हैं इधर, तो वो समझे ये एक, ये समझे ये टी जो है फर्ज करें, इधर अगर आरएनए का ए है तो इधर इसका डी टी होगा। तो ये समझ लीजिए +1 साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद ये जो इस एक स्ट्रैंड है आरएनए का वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाता है डीएनए के ऊपर, तो उसी तरह साथ साथ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए की पहुंच सिंथेसाइजिंग। तो अब ये कहाँ पर जाके रुकेगा, तो वो टर्मिनेटर रीजन में, और टर्मिनेटर रीजन में भी खास जगह है जहाँ पर वो जाके स्टॉप होता है। तो वो खास जो सीक्वेंस है उसकी जरा थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल इधर बता रहा हूँ नोट्स के लिहाज से। ये इमेज भी आप देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो टर्मिनेट किधर होती है जाके, डेफिनेटली टर्मिनेशन रीजन में, लेकिन उस टर्मिनेटर रीजन की क्या खसूसियात हैं कि टर्मिनेटर सीक्वेंसेस, टर्मिनेटर डीएनए सीक्वेंसेस आर रिलेटिवली लेस कैरेक्टराइज एज कंपेयर टू द प्रमोटर रीजन्स, बट दे हैव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस नियर द एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच कैन फॉर्म हेयर पिन लूप या हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो ये इमेज में आप देख रहे हैं हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए जो मैसेंजर आरएनए है उसकी सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी की वजह से होता है, यानी आरएनए का अपना ही स्ट्रक्चर आपस में खुद ही फोल्ड करके एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ऐसे समझे जैसे रोड पर एक वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो जो आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है रॉन्ग अलोंग दी डीएनए स्ट्रैंड, तो जब ये खास रीजन आ जाता है तो वहां पर ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर होता है, एक ऑब्स्टेकल होती है, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को एक सिग्नल होता है कि यहाँ पर आके ट्रांसक्रिप्शन की एंड करना है। तो एक तो ये सीक्वेंस, इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इट कैन मेक दी हेयर पिन लूप। तो ये कैसे बनता है, ये मैं आरएनए का स्ट्रक्चर आपको शुरू के लेक्चर में बता के आया हूँ कि इस रीजन की एबिलिटी क्या है। इट कैन सेल्फ असेंबल, मीन्स इनकी सेल्फ कम्प्लीमेंटेरिटी है, इधर ए होगा उधर टी होगा, इधर सी है तो उधर जी होगा, तो वो आपस में ऐसे इकट्ठा होके हेयर पिन लूप बनाता है। दूसरा, हेयर पिन लूप के फौरन बाद देयर आर मल्टीपल
यू रेजिड्यूज, यूरासिल रेजिड्यूज, मैसेंजर आरएनए में यूरासिल, अगर डीएनए का सीक्वेंस देख रहे हैं तो उधर क्या होगा, उधर ए होगा, सही है, यूरासिल के अपोजिट, वैसे सॉरी टी टी होगा, डीएनए में थाइमीन रेजिड्यूज होंगे जो कि ट्रांसक्राइब होकर यूरासिल रेजिड्यूज बन जाएंगे। तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉलोड बाय मल्टीपल यूरासिल रेजिड्यूज, ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन साइट है। तो ये एक आपको मैंने इंडिकेट किया या समझाया कि ट्रांसक्रिप्शन एंड किधर हो रही है। तो ये ओवरऑल आपने जो याद रखना है वो यही कि ट्रांसक्रिप्शन होती है जीन की, तो जीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका एक स्ट्रक्चरल जीन है, उसका लेफ्ट साइड पे या अपस्ट्रीम प्रमोटर रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन की क्वालिटीज क्या है वो मैंने बताई कि -10 बॉक्सेज होते हैं, -35 होते हैं, फिर -80 भी होते हैं, और कुछ मैंने आपको बताया इन्हांसर। तो इन्हांसर के बारे में थोड़ा सा जो है और मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि इन्हांसर रीजन जो है ये जो, जब अगर इस जो इमेज को अगर आप देखें तो इन्हांसर रीजन ये अपस्ट्रीम बहुत दूर होते हैं लेकिन फोल्ड होके इसके करीब ही आ जाते हैं। तो जब ये मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स -35 रीजन पर इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाती हैं तो एनहांसर हो सकता है फोल्ड होके इसके ऐसे इधर करीब ही आ जाए। तो हो सकता है यही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उस एनहांसर रीजन के ऊपर भी अटैच हों। तो जब तक वो फोल्ड होके इस जगह पे नहीं आएगा तो हो सकता है ये जो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है वो कम्प्लीट ना हो और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ना हो। तो कहने में यही आता है कि वो जो एनहांसर अभी तक स्टडी हो चुके हैं, सबसे ज्यादा जो ये एनहांसर का कंसेप्ट है वो एक वायरस है SV40, उसमें इसको स्टडी किया गया। तो उन्होंने यही देखा कि अगर एनहांसर रीजन जो है उसको क्लीव कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, जब ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सीक्वेंस से, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 100-फोल्ड कम हो जाती है, या दूसरे लफ्जों में अगर एनहांसर रीजन मौजूद हो तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 100-फोल्ड ज्यादा होती है। तो डीएनए फुट प्रिंटिंग एक टेक्निक है जिससे इस तरह के जो एलिमेंट है कि किस जीन का एनहांसर किधर है, किस जीन का प्रोमोटर किधर है, वो आइडेंटिफाई करने में ये कर लें, ये टेक्निक यूज होती है। तो होपफुली ये जो है आपको इसका कंसेप्ट आ गया होगा। तो इसको मजीद आप इसको पढ़ें, वीडियो देखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कह लें मेरे लिहाज से अब तक का मुश्किल एक टॉपिक है, लेकिन इसको अगर आप स्टडी करें और लेक्चर सुने तो होपफुली आप इसको समझ जाएंगे।